तो भाई क्या हाल चाल यार, सब बढ़िया। तो आज हम वापस आ चुके हैं एक और T2 गेम के साथ। और हमें आज मीरामार का मैच खेल रहे हैं, और हमारे साथ एक स्क्वाड थी, और हमारा जो ड्रॉप लोकेशन था वो था सैन मार्टिन। और सैन मार्टिन जो है काफ़ी बड़ी सिटी, और इशू ये था कि प्लेन पास जो था वहाँ से बहुत दूर था। ठीक है, मेरे प्लेयर को एक बग्गी मिली, मेरे प्लेयर को दूसरा प्लेयर था उसको लेने गया, मुझे जाना था एक स्क्वाड उतरी है। ठीक है, तो फटाफट हमारे ये मेन मोटिव था कि जिस जिसके पास गाड़ी है फटाफट अपनी लोकेशन पहुंच जाओ। मेरी लोकेशन दूसरी थी, लेकिन क्या करो, अब दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है। ठीक है, अब ये करना पड़ सकता है। और यहाँ पर भाई बंदा क्या कर रहा है ये देखो भाई, भाई उल्टी गाड़ी चला रहे हो भाई। तो उसको लगा, लेकिन तभी मुझे राइट से शॉट्स आ गए, मैं केयरफुल हो गया। अब धीरे धीरे मैं आगे जाता हूँ, ऐसे फटाफट थोड़ा लूट लाट करता हूँ, मैं लूट थोड़ी दिखाऊंगा नहीं। और तभी मेरे टीममेट ने कॉल दी कि उसके पास बंदा है। और तभी मैंने मेरे टीममेट को बोला कि भाई जाओ फटाफट जाओ उनके पास जाओ, मेरे पास एक गन थी, मतलब दो गन हो चुकी थी। अब सीरियसली बात थी, एक AKM और एक दोनों क्लोजिंग की, काफ़ी ओपी गन हो चुकी थी, काफ़ी ओपी। तो फटाफट हम गए उनके पास, और हम बंदे कैसे मारते, तीन ही बंदे थे, पता नहीं आते क्यों हैं यार। हमारी जगह पे आओगे तो हम बहुत गंदा मारेंगे। और मुझे मानते हैं सामने रोड साइड पे एक बंदा है, इतना भी कन्फर्म था, क्योंकि एक बंदा जो था वो यहीं लुटेगा। क्योंकि काफ़ी टीम जो आती है वो अपना उतरने के लिए आती है, तो आपको सतर्क रहना पड़ता है। आप क्लासिक नहीं खेलते सबसे पहली बात, और आपकी टीम में अगर बहुत दूर है तो आपको कर देना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो फटाफट मैं जाता हूँ, मेरे सामने गाड़ी पर रहती है, मेरे टीम मेट ने मार्क कर दिया ये घर। मैंने मैप खोल के देखा था कि भाई कौन सा घर है, क्योंकि आजकल मैप पर मालूम पड़ जाता है। तभी मेरे टीम मेट ने नॉक दे दिया, और मेरे पास मौका था मारने का। तो तभी जैसे ही मैं हल्का हल्का आगे बढ़ा, मुझे है ना जैसे ही मैं घर के पास पहुँचता हूँ, मुझे फुटस्टेप आ जाते हैं, एकदम साउंड आता है। अगर अच्छे हेडफोन होंगे तो बिल्कुल साउंड आएगा। मेरे पास अच्छे हेडफोन, मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो अभी से सब्सक्राइब मार दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @AGMukul, जाके फॉलो कर लो। और अगर आपने अब तक मेरी मॉर्टल भाई और वाइपर वाली भाई वाली उनके साथ दोनों के साथ मैं खेला हूँ वो वीडियो ने देखी, तो जाके देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर दे देता हूँ। यहाँ पर बंदा था, मैंने नेट डाला, पता नहीं फूटता क्यों, शायद नेट यहीं बम हो जाता, लेकिन मुझे इतना गारंटी था कि भाई ये बंदा होगा डैमेज, और हम चढ़ गए। तभी इसे सामने से आया ललुआ, कोई ललुआ गए भाई, किल चुराते हैं सारे हमारे टीम मेट यार। और यहाँ पर मैं फिर लूटा, लूट क्या दिखाऊँ। तो भाई अब चालू होता है हमारा रोटेशन। रोटेशन इज़ द मेन मोटिव ऑफ दिस गेम। अगर आप बहुत दूर होते हो तो आपको इजी, और आपको एक न्यूज़ अपडेट देता हूँ, PMCO जो अभी स्प्रिंग स्प्लिट आने वाला है 2021 का, उसमें PMCO में वीकेंड डे मैप को हटा दिया है। क्योंकि सुनने में आ रहा था कि काफ़ी बोला जाता है ऑफिशियल की तरफ से कि काफ़ी थोड़ा जानते हो बहुत वहाँ पर कवर्स है, सब बहुत लंबा खिंच जाता गेम, तो इसलिए उसको स्लो फेज मैप को हटा दिया गया। मेरे हिसाब से तो उसको रखना चाहिए था, मेरे हिसाब से सैनोक को हटाना चाहिए था, क्योंकि सैनोक बहुत गंदा मैप लगता है लिटरली। और हम यहाँ से रोटेशन दे रहे थे। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बोला था कि आपके पास पूरा इन्फो होना चाहिए, आप किधर से जा रहे हो किधर से नहीं जा रहे हो। आपके पास जितना आपका इन्फो होगा पूरा, जितना आपके पास मैप स्टडी होगा, उतना आप अच्छे से खेलोगे। क्योंकि आपका ये मैप स्टडी इतना काम आता है ना, आपका कहाँ रिज है, और जहाँ मैंने मार्क किया था मुझे मालूम था कि आस पास तीन तरफ रिज है, और वही मेरे पास एक मेन मोटिव था, क्योंकि सेंटर वहाँ बन सकता था। और अगर आपने वो रिज को होल्ड कर लिया तो जोना से जाता भी, तो आपका एक एडवांटेज ये रहता है कि आप अपर हिल पर रहते हो, और वहाँ से हिल सामने जो बंदे जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे 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 दिखते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि सामने अगर रिच होगी तो रिच नहीं स्पॉट होती है, बंदे कभी कभी ग्लिच से दिखते हैं, आप शॉट लेते शॉट लगते हैं तो मालूम पड़ता है वहाँ पर रिच है। ठीक है, और धीरे धीरे हम ऐसे रोटेशन दे देते हैं। तो रोटेशन देखो हम कैसे रोटेट करते हैं ना, और तभी भाइयों मुझे यहाँ गोलियों का साउंड आ गया। मुझे पहले ही गाड़ी का साउंड आ चुका था, तभी मैंने देखा कि भाई मेरा टीममेट तो दूर है जिसके पास बस है या गाड़ी है, और एक बगी वाला है, तो भाई ये गाड़ी का साउंड कहाँ से आ रहा है। हमने स्पॉट करने की कोशिश की लेकिन बंदे दिखे नहीं। ठीक है, फिर हम हमारे वास्ते वापस निकल गए। नहीं, एंटर तो बटन इसके पास नहीं है।
किधर थे बंदे? और भाइयों तभी हमें हमारे टीममेट्स होगा टूटू के स्टूट मोड, तभी हाई हम सुनने में आया कि भाई इस रूम में हैकर आ चुका है, ठीक है ऑफिशियल से कंफर्म किया कि हैकर आ चुका है रूम में। भाई ये हैकर्स लोग हैं ना, सीन हो जाता है कि तभी मेरे टीममेट दोस्त एक उसके सामने टीममेट का ट्रेड नोक ले, और यहाँ पर तभी हम पे बंदे रश मार गए साले साला। 12 बजे बात कर रहे हैं ना हम, तक वॉइस ऑल कर रहे हैं, तुम रश मार रहे हो हम पे हैं। भाई कभी भी वैन से यहाँ पर चढ़ना मत, वैन को नीचे रख के आओ, वैन बहुत स्लो गाड़ी हो जाती है, कवर भी अच्छी लेकिन बहुत गंदी है। मुझे मानता आखिरी बंदा बचा है, सीधा रश देंगे, स्क्वाड खत्म। तीन मैन थे तो हमको कंफर्म था, तीनों एक में आए, तीनों बंदे एक में ही आ गए भाई हग्गू साले। तभी हमने डिसाइड किया कि हम रश मारेंगे, ठीक है। और ये बंदा गया, आखिरी बंदा था, कंफर्म था कि आखिरी बचा है, और हम गए यहाँ पर रश मारने। हम जाते हैं रश मारने और हमारे टीम मेट ने ट्रेड ले लिया था ऑलरेडी, और ये आखिरी बंदा क्या करता है देखना। उसके बाद हमारे टीममेट जो हैकर थे उसके दो बंदे मार दिए, हैकर भी मार दिया एक, दूसरे उसको स्प्रे दिया, क्योंकि हैकर लोग कभी कभी हग देते हैं, उसको हगा दिया हमने और उसको हम कंप्लीट फिनिश कर दिया, ठीक है। तभी वापस से नीचे साउंड आ गया। अब यहाँ पर मुझे लगा कि कुछ स्क्वाड आई है, फिर हो सकता है एक बंदा स्काउट करने आया होगा और उसकी टीम जो होगी दूर से कवर दे दोगे, तो मैं थोड़ा चौंकना था। आप कभी भी ऐसे कस्टम खेल रहे हो, क्लासिक नहीं खेल रहे हो, ठीक है, तब पागलों की तरह रश नंबर तो अच्छा है वरना आप खत्म, समझ रहे हो, चुटकी भर में। तभी ये बंदा आया, मैंने टीममेट को वेट दिया और ये खत्म। सिंगल बंदा था, इसकी सिंगल पसली एक कर दी, तभी मेरे टीममेट वापस नॉक। आगे का वीडियो देखो। तभी भाइयों जोन हमसे आगे निकल जाता है और हमको मानता है कि अगर इस जोन में है तो हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन सीन हो जाता है कि क्या ही बोले हम, क्या ही, ठीक है। सामने बंदे होते हैं वो गाड़ी वाड़ी छोड़ देते हैं और हम एक बार नॉक हो जाते हैं, वापस सेफ हो जाते हैं, ठीक है। और आगे का वीडियो देखो। उसके बाद मैं यहाँ काट रहा पोर्शन, क्योंकि लंबा पोर्शन है काफ़ी, मतलब इतना कोई खास नहीं इसलिए। और उस टकले को हम वापस रिन्यू करने के लिए आया, तभी टकले मारने के लिए एक स्क्वाड और आ गई, और मैं मेरे टीममेट को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कवर दे दो, लेकिन सीन ही हो गया कि वो बंदे ऐसी जगह बैठे थे ना कि कवर देना इम्पॉसिबल हो चुका था। हमारे नेट डालने की कोशिश की लेकिन ओवरकुक्ड हो गया, तो भैया खेल खत्म हो गया इस नेट का ही, और फिर हम पे सीधा एक मल्टी बात थी और हमारा खेल खत्म। देखना आप, हमारी गलती थी, मेरी गलती थी, मतलब मेरी टीममेट की गलती कोई नहीं थी, कि मुझे जाना था ड्रॉप, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कोई नहीं है जब मैं ऊपर से देखा तो, लेकिन सीन वहीं फंस गया, ठीक है, हम डेड हो जाते हैं पूरी तरीके से। अब मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि मैं टीममेट को मैं जोन में रखूं, उनको चिकन दिलाऊं। तो भाई आपको करना यह है कि अपने टीममेट, अगर आप हाई रिच पे हो तो आपके टीममेट्स को बोला कि आप इजी जोन में जाओ, हल्का हल्का, हम लोग जोन में थे, मुझे कंफर्म था, स्टूडेंट को बोल दिया तुम जोन में हो, तुम बस अब AKM की एमओ यूज़ करो टैप टैप में, और M4 की स्प्रे में देना, ठीक है। अगर बंदा कुछ क्लोज हो गया, बंदा दूर है तो स्प्रे मत दो, टैप टैप दूसरी गन से उसको टैप टैप मारो। तभी मेरे लेफ्ट में मेरे टीममेट ने एक बंदा नॉक कर दिया और मैंने कॉल दिया कि भाई लेफ्ट में भी बंदे, तुम वहाँ देखना है। अब यहाँ से मैं सिंपल से आपको एक स्टेप बताता हूँ, उसके बाद पूरा वीडियो देखना। लेफ्ट से बंदे आते सब एक दूसरे को देखते, मैंने एक आखिरी में मेरे टीममेट को एक जोन भेज दिया था ताकि सब एक जना जोन में रहेगा, बाकी जोन से आएंगे तो उनको मारेंगे। अब मैं यहाँ वॉइस ओवर नहीं करूँगा, आप सिर्फ वीडियो देखो। वॉच आउट, नेड नहीं है मेरे पे। Marked a location. जोन के अंदर गोली बदल के मार देता है, एक शॉट लेना था। टैकल दे ले जाते भाई।
अगर भाई आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने वीडियो को भी शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।